क्या NIOS वाले सीटेड फॉर्म भर सकते हैं? NIOS वाले के लिए तो हम बोल सकते हैं कि ये भारत सरकार जो है ना, बोल सकते हैं सर कि ये पेट में जो है ना वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गलत वर्ड भी बोलने में हमको अच्छा नहीं लगता है भारत सरकार की, नहीं बोल सकते हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, मतलब सिंपल वर्ड में बोलिए कि पैर में कुल्हाड़ी मार सर दिया। लेकिन बच्चे डाउट पे है कि पता नहीं कि हम लोग का जो है मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कहीं ऐसा हो कि इसी एक दो मंथ में चुनाव बाद ही अगर उनकी जीत हो जाती है तो अगर सीटेड वो क्वालिफाइड नहीं हुए तो उस समय सोचना पड़ेगा, चूंकि वो बीबीसी टीआरई 4 में बैठ नहीं पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि उनको फॉर्म भरना चाहिए और सीटेड में? देखिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सर अगर आपके पास डिग्री है तो फॉर्म भर देने से मतलब कोई जो है हानि नहीं है। आप NIOS वाले के लिए तो हम बोल सकते हैं कि ये भारत सरकार जो है ना, बोल सकते हैं सर कि ये पेट में जो है ना वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गलत वर्ड भी बोलने में हमको अच्छा नहीं लगता है भारत सरकार की, नहीं बोल सकते हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, मतलब सिंपल वर्ड में बोलिए कि पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। सर लेकिन बच्चे डाउट पे है कि पता नहीं कि हम लोग का जो है मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कहीं ऐसा हो कि इसी एक दो मंथ में चुनाव बाद ही अगर उनकी जीत हो जाती है तो अगर सीटेड वो क्वालिफाइड नहीं हुए तो उस समय सोचना पड़ेगा, चूंकि वो बीबीसी टीआरई 4 में बैठ नहीं पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि उनको फॉर्म भरना चाहिए और सीटेड में? देखिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सर अगर आपके पास डिग्री है तो फॉर्म भर देने से मतलब कोई जो है हानि नहीं है। आप नमस्कार, आप सभी साथियों को जय हिंद। अभी हमारे साथ आर के मंडल सर बैठे हुए, और आर के मंडल सर से जानेंगे कि आखिर सीटेड का जो तैयारी किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले सर अखलाक सर आपको सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि आप इतना टाइम बिजी टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जहाँ तक देखिए सीटेड की बात है, करेक्शन की बात है, तो वो क्या है ना कि आपको कल तक आपको फॉर्म भराएगी, उसके बाद आपको दो चार दिन टाइम दिया जाता है करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन में क्या है, अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो या तो डेट संबंधित हो, डेट बर्थ हो संबंधित हो, या लैंग्वेज के संबंधित जो होते हैं, जो कोई लैंग्वेज मान ले सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश के बजाय संस्कृत रखना है या अदरवाइज कोई उर्दू रखना है, तो इस प्रकार का आप करेक्शन कर सकते हैं। चलिए सर सीटेड की तैयारी कैसे किया जाए, आखिर जो बच्चे अभी जो फॉर्म डाले हुए हैं वो अगस्त 24 का जो सीटेड का पेपर होने वाला है, आखिर तैयारी कैसे करें? देखिए सर ये आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। सबसे पहले सर सीटेड की तैयारी को लेकर अगर हम बताएं आपको सर, तो थोड़ा सा डीप में चलना होगा। जी जी चलिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, सीटेट सबसे पहले सर जुलाई में आपकी एग्जाम हो रही है। जी। अगस्त में पहले होती सर, लेकिन अब जुलाई में हो रही है सर, और जुलाई में फर्स्ट वीक में ही हो रही है सर। जी। आपको मैं बता रहा हूँ सर, सीटेट की तैयारी के लिए आपको मैं बताता हूँ सर, सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर 1-5 का लेंगे, दो लेवल की एग्जाम होती है, 1-5 और 6-8। अच्छा। अगर 1-5 के लेंगे तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा। जैसे सबसे पहला CDP, दूसरा जो है आपको EBS, तीसरा जो है मैथ्स, चौथा जो है पांचवा दो लैंग्वेज पेपर होते हैं। ये लैंग्वेज पेपर तो आप जनरली जो भी जिनका बेस्ट लैंग्वेज होता है वो अपना अपना रखते हैं, चूज कर लो। लेकिन 3 सब्जेक्ट जो है ना सर वो मेन होता है, एक CDP होता है, दूसरा मैथ होता है, और तीसरा जो है IBS होता है। अगर CDP की बात अगर करें तो सर 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये 30 क्वेश्चन के लिए सर सारे क्वेश्चन उसमें पैडागोजिकल भाषा में होते हैं, और इसके लिए क्या है ना सर आपको बेसिक रूप से जानकारी प्राप्त करना होगा, और ये बेसिक जानकारी आपको 11-12 के साइकोलॉजी बुक से मिलेगा। इसके लिए अगर आप इच्छुक विद्यार्थी हैं तो 11-12 के साइकोलॉजी पढ़ी, एक बेसिक रूप में दिया हुआ है, वहां से आप उसको तैयारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर है उसको आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार साइकोलॉजी में किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। यानी CDP पढ़े या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सर, प्रीवियस पेपर सर एक तरह से समझिए कि इमेज है सर। अच्छा। अगर वो एग्जाम किस पैटर्न को ले रही है, कैसे ले रही है, ये आपको देखने से पता चलता है सर, और उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करना चाहिए विद्यार्थी को कि आप देख लीजिए ना सर। लेकिन है क्या ना कि सीटेट इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। जी जी। पिछले बार में क्या था, पिछले बार तक क्या था कि ना पहले प्रीवियस पेपर से काफी क्वेश्चन मिलता जुलता रहता था, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि इस बार से क्या हो रहा है कि सीटेट जो क्वेश्चन पेपर दे रही है जी जी।
उसमें क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है और लॉजिकल क्वेश्चन इस प्रकार आ रहा है कि आप अगर आपको बेसिक जानकारी उसमें नहीं है तो फिर आप अच्छा नहीं कर सकते। इसी कारण से आप देखे होंगे सर कि इतने संख्या में विद्यार्थी सीटेट को फॉर्म भरे थे लेकिन रिजल्ट इतना खराब आया है सर कि आप समझ सकते हैं सर 13% से घटकर 8% आ गया। तो आप बताइए इससे क्या होगा सर। तो सीडीपी की तैयारी कैसे करें, चूंकि सीडीपी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये हमको लग रहा है सीटेट का मेन सब्जेक्ट तो हमको यही लगता है। बिल्कुल सर, इस चीज को समझ लिए तो सीडीपी 15 नंबर तो हर एक सब्जेक्ट में, यानी ईवीएस हो उसमें भी 15 नंबर का आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैथमेटिक्स में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में भी आता है। इसके अलावा सीडीपी तो एक सब्जेक्ट है। यही चीज ना बता रहे हैं सर कि अगर आपका पेडागोजिकल अच्छा रहेगा, क्योंकि पेडागोजिकल में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं सर कि सारे सब्जेक्ट में जो है इन्वॉल्व है, जैसे एक मूल्यांकन हो गया सर, सामग्री हो गया आपको जो है, फिर सामग्री के पहले एक जो है अधिगम हो गया, ये सब चीज क्या है ना एक दूसरे से सहसंबंधित है। अगर किसी में एक तरह से दिक्कत हुई तो सारा सारे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर देता है वो। इसलिए सर हम सभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि खास करके पेडागोजिकल पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वो सारे पोर्शन में आपको मदद कर दे। चलिए, मैथ की तैयारी कैसे की जाए? देखिए सर, मैथ्स में सीटेट में 1-5 में मैथ्स में दो पोर्शन होते हैं, एक कंटेंट पोर्शन होते हैं, एक पेडागोजिकल पोर्शन होते हैं। 15 नंबर का जो कंटेंट पोर्शन होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिक मैथ होता है जिसमें आप जोड़ घटा ले सकते हैं, मेंसुरेशन का छोटा छोटा पोर्शन ले सकते हैं, नहीं ये सब थोड़ा सा जो है सीटेट के बेसिक रूप में लिया जाता है। पेडागोजिकल में क्या है कि मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ का अर्थ क्या होगा, उसकी सामग्री क्या होगी, उसकी योजना कैसे होगी, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये सब सारे पोर्शन जो है मैथ के पेडागोजिकल में आ जाते हैं। तो आखिर ये बताइए कि बच्चे डाउट में होते हैं कि क्या हम फर्स्ट लैंग्वेज चूज करें या सेकेंड लैंग्वेज चूज करें। देखिए, आप ये बताइए सर कि किनको क्या, कौन सा लैंग्वेज चूज करनी चाहिए जो आसान हो। सर हम इस बात के आपको आपको बोलने वाले थे सर, ये चीज, ये जो आप बोले ना सर कि फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, मैं आपको बताता हूँ सर, सीटेट जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उसमें 40% विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि ये लैंग्वेज पेपर को गलत मार्क चले जाता है और इससे भी रिजल्ट काफी गड़बड़। इसका रीजन क्या है मैं समझाता हूँ सर। देखिए सर, आपको जो है ना हमारी जो सीटेट एग्जाम लेती है उसमें 22 लैंग्वेज कंडक्ट करती है, 22 लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो प्रथम लैंग्वेज जो आप लेते हैं वो ग्रुप ए को बनाना है, अगर हिंदी में आप बनाते हैं तो वो खंड को बनाना है, और सेकंड लैंग्वेज जो आप लेते हैं या तो इंग्लिश लीजिए या संस्कृत लीजिए या उर्दू लीजिए, जो भी लैंग्वेज लेते हैं आप, सेकंड लैंग्वेज जिसको सेलेक्ट किए हैं वो खंड बो को बनाना, अर्थात क्या, खंड बी को, अर्थात ग्रुप बी को बनाना, ग्रुप बी को बनाना। हाँ, लेकिन होता है क्या ना, एक ही पेपर में जब आते हैं लोग तो क्या होता है ना कि फर्स्ट ग्रुप ए को बना लेते हैं, सेकंड वाला भी ग्रुप ए को बना लेते हैं, तो गलती हो जाता है। इसलिए अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज जो लिए हैं वो ग्रुप ए को बनाएंगे और सेकंड लैंग्वेज जो लिए हैं वो ग्रुप बी को बनाना। सर बच्चों को एक ये होता है कि हम तुक्का लगा के चले आएंगे और हम क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्या ऐसा लग रहा है कि सीटेट इस तरीके से पास होने देगा? देखिए क्या ना सर कि सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पूर्ण रूप से लॉजिकल थिंकिंग लगते हैं, उसमें क्या ना कि ऐसा तो आप जनरल पेपर का तो है नहीं कि एक एक जो है वर्ड का आपको आंसर रहेगा, वो सारे लैंग्वेज बेस्ड होते हैं सर। उस लैंग्वेज को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सर तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सीटेट के पेपर इसी तरह होते हैं क्योंकि उसका ऑप्शन भी होते हैं ना, तो एक दो लाइन का होते हैं। क्या इसमें लग रहा है बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में ये बच्चे जितने भी हैं वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट का, तो उनको तो भविष्य में फ्यूचर में तो शिक्षक ही बनना है, तो उनको तुक्के पे जाना चाहिए फिर बेसिक नॉलेज पे? नहीं सर, आप क्या बोलते हैं। देखिए सर, एक नेपोलियन मनोवैज्ञानिक थे सर, और इसी प्रकार बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे सर, उनका कहना था कि अगर आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी नॉलेज होना चाहिए, और चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज आपके पास तभी होंगे जब आप उसको बेसिक रूप से पढ़ेंगे, और उसकी बेसिक के आधार 11-12 का साइकोलॉजी है। आप 11-12 के अगर साइकोलॉजी अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो एक बेसिक जो है आपका फंडामेंटल चीज बन जाएगा। अच्छा अच्छा, इसीलिए सर बार बार हम सभी अपने विद्यार्थी को बोलते हैं कि अगर बेसिक आपको नॉलेज नहीं है तो फिर पेडागोजिकल समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो सीडीपी की तैयारी कोई किस बुक से करें ये चीज बता सकते हैं आप? देखिए सर, हम एक लाइन में बताएं सर आपको कि 11-12 का जो साइकोलॉजी है उस बुक को उठाएंगे और उसके बाद प्रीवियस पेपर को उठाएंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगी। तो कम समय में, मुश्किल से 3 या 4 महीना ही टाइम है, अगस्त में एग्जाम होगा तो अप्रैल मई जून
ये टाइम है, 3 मंथ एटलीस्ट है, अगस्त नहीं सर, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम है। तो अभी सर जितने भी टाइम है सर, उतने में आप साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजी का बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि पतली पतली बुक आती है सर, आराम से आप पढ़ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके जो है सीटेट में काफी मदद साबित होगी। चलिए, हमारे साथ थे आर के मंडल सर, और इनका जो है मैं बता दूं कि रैंकर्स 30 चलता है आर के मंडल इनका टीम, और इनका ऑनलाइन भी बैच चलता है, ऑफलाइन भी बैच चलता है, और टेस्ट सीरीज भी चलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीटेट क्वालिफाइड हो तो आप मुसल्लपुर हाट में आएंगे और आकर के इनसे मुलाकात करेंगे आर के मंडल सर से, और खान सर के जस्ट कोचिंग के सामने ही इनका कोचिंग चलता है। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या NIOS वाले सीटेट फॉर्म भर सकते हैं? देखिए सर, NIOS वाले के लिए तो हम बोल सकते हैं कि ये भारत सरकार जो है ना, बोल सकते हैं सर कि ये पेट में जो है ना वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गलत वर्ड भी बोलने में हमको अच्छा नहीं लगता है, भारत सरकार के नहीं बोल सकते हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, मतलब सिंपल वर्ड में बोलिए कि पैर में कुल्हाड़ी मार सर। लेकिन बच्चे डाउट में है कि पता नहीं कि हम लोग का जो है मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कहीं ऐसा हो कि इसी 1-2 मंथ में चुनाव बाद ही अगर उनकी जीत हो जाती है तो अगर सीटेट वो क्वालिफाइड नहीं हुए तो उस समय सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो BBSC TRE4 में बैठ नहीं पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि उनको फॉर्म भरना चाहिए और सीटेट में? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सर अगर आपके पास डिग्री है तो फॉर्म भर देने से मतलब कोई जो है हानि नहीं है आपकी, तो इसलिए फॉर्म भर देना चाहिए। और बिल्कुल अगर उनका जो जो पहले से उनका जो एक सिनेरियो है, भाई लोग उसके प्रति लड़ रहे हैं, अगर वो जीत होती है तो ऑटोमेटिक है कि उनको जो है वैलिड किया जाएगा निश्चित रूप से किया जाएगा। और ये वैलिड करना ही चाहिए सर, इसमें कुछ राजनीतिक लोग मुद्दे लोग बना दिए हैं जिसके कारण जो है जो सच्चाई बात है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण वो इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन अगर सच्चाई बात अगर जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी उसको वैलिड किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आर के मंडल सर, थैंक यू। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।